सनम को गी जोहार इनसे मिथल सर यूट्यूब चैनल रे सनम को सगुंदरम इनसे नवा नवा स्पेशल वीडियो रे इनकम सीक्रेट फॉर संथाली म्यूजिक वीडियो सॉन्ग और म्यूजिक चैनल माने संथाली म्यूजिक इंडस्ट्री रे इनकम दे की सीक्रेट मतलब क्या ऐसा राज है जिससे संथाली म्यूजिक इंडस्ट्री इनकम करते हैं, ऐसा कौन कौन सा सीक्रेट है आज मैं बताऊंगा। संथाली म्यूजिक चैनल, म्यूजिक वीडियो सॉन्ग, एल्बम वीडियो सॉन्ग बनाने वाले जितने भी यूट्यूब चैनल है वो इनकम कैसे कर पाते हैं, कितना इनकम तक कर पाते हैं, क्या वो लाखों रुपए हर महीना कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं या फिर लॉस में जाते हैं, नुकसान में जाते हैं, कितना रुपए कमा सकते हैं, पूरा आज का ये गुत्थी बताने वाला। क्योंकि हो सकता है अगर आपको संथाली म्यूजिक वीडियो बनाना है, एल्बम बनाना है, तो आप बनाए या नहीं बनाए, इससे पहले आप इस वीडियो को जरूर पूरा देख ले, समझ ले कि संथाली म्यूजिक इंडस्ट्री कैसे इनकम कर रहा, आप पूरा इस वीडियो को जरूर समझें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जितने भी टॉप क्लास के यूट्यूब चैनल है, जितने भी वीडियोस डालते हैं उस वीडियो पे व्यूज़ के अकॉर्डिंग इनकम होता है। इसका बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले बताऊं, आज की इस वीडियो बताऊंगा कि वो कितना फ़ायदा कमाते हैं, क्या सीक्रेट है जिसकी वजह से वो इनकम कर पाते हैं लाखों रुपये या कर सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आप म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं, तो आप अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, आज मैं आपको ये सीक्रेट बताऊंगा। अगर आपको लग रहा कि आप म्यूजिक वीडियो सॉन्ग बना रहे हैं और आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आज का वीडियो खास है, आप इस वीडियो को समझ करके आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, दुगना कर सकते हैं, तीन गुना कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा, कुछ ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिससे संथाली म्यूजिक चैनल भी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकता है। और कितना इनकम जनरेट करता है, तो सबसे पहले बात करता हूँ बेसिक कि अभी संथाली इंडस्ट्री में हो क्या रहा, कितना इनकम करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी एक संथाली म्यूजिक वीडियो शूट होता है, जिसका शूटिंग हुआ किसी भी लोकेशन में, शूट वगैरह हो गया, उसकी खर्च आती है, चाहे वो एक्ट्रेस का कॉस्ट हो, एक्टर का कॉस्ट हो, कॉस्ट्यूम का कॉस्ट हो, एक जगह पे गया, खाया पिया, रहा, एक दिन में शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई, दूसरा दिन शूटिंग हुआ, कैमरा का कॉस्ट है, रिकॉर्डिंग कॉस्ट है, ओवरऑल सब कॉस्ट को मिला लेते हैं हम लोग, तो करीब करीब मान लीजिए एक एल्बम को बनने में 20,000 से 25,000 रुपये लगी। कुछ एल्बम ऐसा भी होता है जो 15,000 रुपये में भी बन जाता है, मैक्सिमम मान लेते हैं कि 25,000 रुपये लगी किसी एल्बम को पूरा कंप्लीट होने में, 25,000 रुपये का खर्चा आया सब कुछ मिला जुला के, ठीक है। अब इसको YouTube पे जब पब्लिश किया जाता है, संथाली म्यूजिक YouTube चैनल में, वो चैनल कोई भी हो, अब उस वीडियो पे जो एल्बम पब्लिश हुआ उस पर कितना व्यूज आया, सपोज करिए 1 मिलियन व्यूज आया, 10 लाख व्यू आया, 2 मिलियन आया, 20 लाख आया, 1 करोड़ व्यूज आया, तो व्यूज पे इनकम डिपेंड करता है जितना ज्यादा। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे वीडियो पब्लिश किया, 1 मिलियन का व्यूज आया, 10 लाख व्यूज अभी तक आया, 1 महीने हो गए, 25,000 रुपए खर्च किया, 10 लाख व्यू आया, 10 लाख व्यू पे करीब करीब 10,000 रुपए का इनकम हुआ, 8 से 10,000 का, 25,000 खर्चा किया, 10,000 का इनकम हुआ, ये फायदा है नुकसान है, ये नुकसान है, कितना का, 15,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो ये नुकसान हो गया, बोलोगे ये तो बेकार है, नहीं, फायदा यही तो समझना है ट्रिक्स कि ये फायदा कब होगा इसको, जो यूट्यूब क्रिएटर जो म्यूजिक बनाया उसको फायदा होगा या नहीं होगा, आपको तो 15,000 का नुकसान दिख रहा। बहुत सारे संथाली क्रिएटर इसी वजह से वो म्यूजिक वीडियो बनाना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, ये नुकसान देख करके कि 25,000 रुपये का खर्चा कर रहा हूँ और 10,000 का इनकम हो रहा, 15,000 का नुकसान है, कहाँ से दूँ, तो इस वजह से बहुत कोई बंद कर देते हैं और बहुत को ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकम नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं इसको, क्या तरीका, तो व्यूज़ को कैसे बढ़ाएं, पहला सवाल आता है, 1 मिलियन व्यूज़ आया, इसको अगर 1 करोड़ व्यूज अगर हर एक वीडियो पे आने लगे तो फिर दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ व्यूज का मतलब होता है 1 लाख रुपए। अगर किसी वीडियो में 1 करोड़ प्लस का व्यूज हो गया तो वो अकेला वीडियो 1 लाख रुपए देता है, तो 25,000 रुपये आप खर्च किए, 1 लाख रुपए इनकम किए, कितना कमाया, 75,000 रुपये कमाए एक वीडियो से, फायदा देखो यहाँ पे क्या हो रहा, समझिए आप। तो अगर व्यूज ज्यादा होता है तो इनकम भी ज्यादा होता है, व्यूज कम होता है तो इनकम क्या इनकम होता है, मतलब नुकसान हो जाता है, ये चीज है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, आज के इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि आप अपने व्यूज को अप कैसे करें, आप अपने इनकम को अप कैसे करें, क्या तरीका है कि व्यूज कम व्यूज में भी आप ज्यादा इनकम कर सकते हैं। मेन पॉइंट की बात यह है कि कम व्यूज में भी ज्यादा इनकम कैसे कर सकते हैं, 1 मिलियन व्यूज में भी आपको 1 लाख रुपए अगर कमाना हो तो क्या कर सकते हैं। पॉइंट की बात यह है, अगर आप चाहते हैं इनकम ज़्यादा करना, कि 1 मिलियन व्यूज आया, 10,000 रुपये यूट्यूब की तरफ से इनकम हुआ, और कुछ ऐसा क्या किया जाए कि उसी में और 20,000-30,000 रुपये आता रहे, या लगातार व्यूज भी आप होता रहे, क्या ऐसा कर सकते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि म्यूजिक वीडियोस जितने भी सॉन्ग बनते हैं उसमें दो तरह का वीडियो होता है, एक सिंपल नॉर्मल सा म्यूजिक सॉन्ग हो गया, और एक ऐसा सॉन्ग जिसमें किसी प्रोडक्ट किसी भी चीज़ का एड के साथ म्यूजिक बनाया जाए, मतलब
किसी भी कोई शॉपिंग मॉल है या कोई बाइक का शोरूम है या कोई कॉस्मेटिक आइटम है, लड़कियों का फैशनेबल कपड़े हैं, मतलब किसी चीज़ का ऐसा प्रचार के रूप में वीडियो को बनाया जाए जो वीडियो को कोई स्पॉन्सर करे, यानी स्पॉन्सर वीडियो में बहुत ज़्यादा इनकम होता है दोस्तों। अगर यूट्यूब म्यूजिक चैनल अपने इनकम को डबल करना चाहते हैं तो स्पॉन्सर वीडियो बनाने की कोशिश करें, कुछ स्पॉन्सर ढूंढे जो उनके वीडियो को स्पॉन्सर करें, उनको पैसा दे, उनको पेमेंट दे वीडियो बनाने के लिए। जी हाँ, वो कौन दे सकता है? कोई फैशनेबल मान लीजिए शॉपिंग मॉल है, वो दे सकता है। आप उनके शॉपिंग मॉल में शूटिंग किए, उनका शॉपिंग मॉल का प्रचार हुआ आपके म्यूजिक वीडियो के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से, वो आपको स्पॉन्सर का मनी दिया 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, जैसा आपका वीडियो रहेगा, जैसा आपका क्वालिटी होगी वैसा वो आपको पैसा देगा। तो वो उधर का इनकम एक अलग हो जाएगा, यूट्यूब से जो इनकम आएगी वो अलग हो जाएगा। फिर भी मान लीजिए आप नॉर्मल वीडियो ही बनाते रहते हैं, 1 मिलियन व्यूज आता रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, यूट्यूब से फायदा कैसे होता है, मान लीजिए अभी आपको 1 मिलियन का व्यूज हुआ, ये वीडियो एक साल के बाद वो वीडियो 50,000 व्यूज और गया, 1 लाख व्यू और गया। तो वीडियो का नियम क्या होता है कि जब तक यूट्यूब पे आपकी वीडियोस पे व्यूज आता रहता है तब तक आपको कुछ ना कुछ इनकम होती रहती है। ये यूट्यूब का पहला फायदा है, यही मेन फायदा है म्यूजिक वीडियो सॉन्ग में, जब तक व्यूज आता रहेगा तब तक इनकम होता रहेगा। एक तो इनकम का ये सीक्रेट है यूट्यूब का कि यूट्यूब पे ऐसा नहीं कि एक बार आपका 1 मिलियन व्यूज हो गया तो 1 मिलियन व्यूज ही रहेगा, बाद में और व्यूज नहीं आएगी, नहीं, वो आपके वीडियो पे डिपेंड करता है, सॉन्ग पे डिपेंड करता है। अगर सॉन्ग आपका अच्छा लगता है तो वो ज्यादा और भी यूट्यूब उसको पुश करता है, मतलब म्यूजिक वीडियो सॉन्ग आपका जितना ज्यादा लोग पसंद करेंगे, जितना देर तक देखेंगे, तो वो वीडियो बाद में भी आपका वायरल हो सकता है, बाद में भी 1 करोड़ व्यूज आ सकती है, जिससे आपको इनकम बाद में भी होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वालिटी का वीडियो होगा, अच्छा सॉन्ग होगा तो अपने आप इनकम भी ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी आप बढ़ाना चाहते हैं इनकम, तो इसका 2-3 तरीका मैंने जो आपको बता रहा हूँ। पहला, स्पॉन्सर वीडियो बनाइए, किसी ना किसी शोरूम या फिर किसी फैशनेबल आइटम, किसी होटल, किसी रिजॉर्ट, जो भी स्पॉन्सर वीडियो खोजने का कोशिश करिए वो बनाइए। दूसरा, फैशनेबल सॉन्ग एडवर्टाइजर फ्रेंडली वीडियो बनाइए, एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें थोड़ा बहुत कहानी ऐसा हो, पैसे से रिलेटेड थोड़ा बहुत स्टोरी हो, वॉइस लड़का लड़की की गरीबी दिखा दे, अमीरी दिखा दे, और उसके साथ साथ म्यूजिक भी चला दे। तो ये क्या होगा, एडवर्टाइजर फ्रेंडली होगी, जिसके वजह से आपके वीडियो पे एड बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा क्लिकेबल वीडियो बन जाएगी और उस पर बहुत ज़्यादा इनकम भी होगा। तीसरा जो तरीका है इनकम को बढ़ाने का, वो तरीका है, सबसे पहला चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अपने वीडियो के इनकम को बढ़ाने के लिए आप अपने वीडियो को प्रचार कर सकते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म में, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पे जा करके आप कुछ ऑडियंस ला सकते हैं, ट्रैफिक ला सकते हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक सीक्रेट पूरा का पूरा प्लान रेडी करके आपको दूंगा कि एक म्यूजिक चैनल अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकता है और किस तरह से अपने इंडस्ट्री में, संथाली इंडस्ट्री को और एक नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर को कैसे पूरा कर सकता है। इसी तरह का वीडियो मैं लगातार लाते रहता हूं, तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि आपको लगातार ऐसा वीडियो मिलता रहे। सनम को, दोस्तों को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।